नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मुंह में छाले होना एक आम बात है, ज्यादातर लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। तो मुंह में छाले होना इसको सभी लोग जानते हैं, इसका संबंध ज्यादातर पेट से होता है। अगर पेट ठीक से साफ चल रहा है, बावेल क्लीन हो रहा है अच्छे से, एसिडिटी वगैरह की समस्या नहीं रहती, तो छालों की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी यदि अगर मुंह में छाले हो रहे हैं तो पहली बात तो पेट की सफाई रखें, यानी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को ना होने दें। इसके लिए आप कोई भी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन त्रिफला चूर्ण सबसे बेहतरीन होता है। तो यदि त्रिफला चूर्ण एक चम्मच गुनगुने पानी से आप शाम को लेते हैं तो पेट ठीक रहता है और जो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होती है वो भी समाप्त होती है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय मुझे भी मुंह में छाले यहाँ पे हुए हैं, जिसका मैंने उपयोग दो दिन से किया है और अच्छा लाभ मिला है। तो ये है टंकड़ भस्म। टंकड़ भस्म को थोड़ी सी मात्रा इसमें से ऐसे उंगली से इस तरह निकाल लें, ये इस तरह, और जहाँ पर आपको ये हुआ है छाला उस स्थान पर इस तरह करके ये ऐसे लगा दें। या अब ये लग गया, इसको 5 से 10 मिनट तक लगे रहने दें। ये चिपक जाता है, नमक जैसा लगता है इसका टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, हल्की सी बर्निंग हो सकती है लेकिन वो नुकसान नहीं करती। तो मुंह के छाले जो होते हैं उसके ऊपर जो डेड टिश्यू होता है उसको यह समाप्त कर देता है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं या सरसों के तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं, या आप चाहें तो देसी घी में भी इसको फेंट कर लगा सकते हैं। 2 से 3 बार लगाने के बाद यह छाले में काफ़ी आराम हो जाता है और जलन दर्द दोनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, और 3-4 दिन में छाले ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।